नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, वीकेंड का वार और वीकेंड के वार के एपिसोड में आता है एक कॉल जिन्हें कहा जाता है कॉलर ऑफ द वी। और इस बार कॉलर ऑफ द वी उड़ाएंगे किसी के होश। जी हाँ, इस बार कॉलर ऑफ द वीक जो है उमर रियाज के लिए आएगा। उमर रियाज से कुछ ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कॉलर ऑफ द वीक के द्वारा जिससे करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश को लगेगा सबसे बड़ा झटका। करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के उड़ जाएंगे पूरी तरह से होश। करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर उमर रियाज का इंटेंशन आखिर में है क्या। अब क्या ऐसा सवाल करने वाले हैं कॉलर ऑफ द वीक, ऐसा कौन सा तीखा सवाल करने वाले हैं, पूछने वाले हैं उमर रियाज से, चलिए आपको बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया है तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। चलिए आपको बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में यही बात। सबसे पहले कॉलर ऑफ द वीक जो है वो ये सवाल करते हुए नजर आएंगे कि हमने देखा और ऑडियंस ने भी देखा कि आप तेजस्वी प्रकाश से एक्सपेक्ट करते हो कि वो जो है टास्क में आपका पूरी तरह से सपोर्ट करें, आपकी गर्लफ्रेंड रश्मि देसाई का सपोर्ट करें। आप तो ये चाहते हो तेजस्वी प्रकाश से, करण कुंद्रा से भी आप इसी बात को लेकर लड़ते हो, झगड़ते हो। लेकिन जब आपको सपोर्ट करने की बारी आई, जब आपको सपोर्ट करने की बारी आई उमर, तो खुद आपने क्या किया, खुद आपने तेजस्वी प्रकाश का साथ नहीं दिया। यहाँ पर आपका डबल स्टैंडर्ड दिखता है, यहाँ पर ये बात जो है वो कहते हुए नजर आते हैं। दरअसल में दोस्तों, बीते दिनों जो टिकट टू फिनाले टास्क चल रहा था, आखिरी टिकट को पाने के लिए जो टास्क चल रहा था, जिसमें उमर रियाज और रश्मि देसाई, इनफैक्ट दोनों ने, रश्मि देसाई और उमर ने दोनों ने तेजस्वी प्रकाश का साथ नहीं दिया। तेजस्वी प्रकाश को दिया था धोखा और तेजस्वी प्रकाश को हराना चाहते थे। फिनाले में तो वो पहुंचाना ही नहीं चाहते थे तेजस्वी प्रकाश को। और साथ ही साथ यहाँ पर ये खेल ही ऐसा है जो कि हर दिन बदलता है, और यहाँ पर कब किसका खेल बदल जाए कोई नहीं जानता। तेजस्वी प्रकाश का खेल इतना जल्दी बदल जाएगा और इतना जल्दी फिनाले में पहुंच जाएगी, ये कभी भी सोचा नहीं था। और साथ ही साथ तेजस्वी प्रकाश जब फिनाले में पहुंची थी, तब उमर रियाज को लगा था तब बहुत ज्यादा झटका। और यही सारी की सारी बातें पूछेंगे कॉलर ऑफ द वीक, और कॉलर ऑफ द वीक जैसे ही पूछेंगे, उमर रियाज के पास कोई भी जवाब नहीं होगा। उमर रियाज के तो होश उड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तेजरन के भी उड़ने वाले हैं होश। तेजरन को भी लगेगा सबसे बड़ा झटका, स्पेशली करण कुंद्रा को, क्योंकि करण कुंद्रा को विश्वास ही नहीं होगा कि उमर ऐसा भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ तेजस्वी प्रकाश को तो इस बात पर पहले से ही शंका थी, और तेजस्वी प्रकाश तो पहले से ही बोल रही थी, लेकिन करण कुंद्रा जो है उनकी बात को नहीं मान रहे थे, करण कुंद्रा लगातार नेगलेक्ट कर रहे थे। तो इस तरह के सवाल जो है वो पूछेंगे उमर रियाज से। वेल, अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट के थ्रू आप हमें जरूर बताएं। कॉलर ऑफ द वीक ने जो सवाल पूछा उमर रियाज से, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट के थ्रू आप हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज की रिपोर्ट। और हाँ, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों।